दिल में हौसले हो तो लक्ष्य आसान होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में इस बात को सार्थक करने बेहद शोभा का। एक आदिवासी युवक रुपेंद्र आधुनिक टेक्नोलॉजी से कृषि कर लाखों का मुनाफा कमा रहा है। उससे ना कोई सरकारी मदद मिल रहा है और ना ही उसके पास मल्चिंग और झिल्ली खरीदने के पैसे है। बावजूद इसके रुपेंद्र मजदूरी कर अच्छी कृषि को चुना और आज उसे अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। एक दिन दूसरों के घर मजदूरी करता था, पर आज उन्नत खेती के लिए उसने 20 मजदूर लगा रखे हैं। चुनौतियों का सामना कर उन्नत कृषि में मिसाल बने युवक रुपेंद्र अपने आसपास के किसानों को प्रशिक्षण भी दे रहा है। सरकारी मदद की छोड़िए, किसान मित्र ने फॉर्म भी भरवाया, इंश्योरेंस के पैसे ले लिए, मगर मदद आज तक नहीं मिला। जी, मेरा नाम रुपेंद्र कुमार है और मैं ग्राम गोना केरापारा से हूँ और मैं एक खेती 3 साल से कर रहा हूँ। अब सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? सरकार से यही बीमा दिलाना, बीमा की योजना का रखा हूँ सर। कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है सर। अभी जो सुना था कि मल्चिंग झिल्ली आता है उसके लिए भी कुछ मिलता है प्रोसाइज, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है सर। हम एक बार किया भी था सरकार के पास, जो जमा भी किया था, जो पर्ची आता है, तो उसमें भी कुछ नहीं मिला सर। जी सर, आप कृषि अधिकारी कभी आए हैं आपके यहाँ देखने? नहीं सर, वही पहले आया था, उस समय बिल वगैरह पूरे जमा किए थे मल्चिंग के लिए, तो उसमें भी कुछ प्रॉफिट नहीं दिया सर। चलिए, अभी आप कितने लेबर रेगुलर लगाए हो? अभी मेरे पास वही 16 से 18 लेबर है सर। सबल जी, 16 से 18 लेबर रेगुलर रहते हैं और कभी कभी बाहर से भी लाते हैं सर। यहाँ जो आमने सामने का गांव होता है वहाँ से लाते हैं लेबर। अभी खीरा का कर रहा हूँ सर। पिछले साल कलिंदर और खीरा निकला था दोनों। प्रॉफिट हो जाता है? जी, प्रॉफिट बन रहा है सर। रेट मिल जाता है तो प्रॉफिट बन ही जाता है सर। जी, आपका परिवार चल जाता है? खुशी? हाँ जी, चल जाता है सर। हम लोग 4-6 परिवार हैं, आराम से चल जाते हैं। तो अपने जी, मैं हर नौजवान से यही कहना चाहता हूँ कि जो नौकरी के पीछे भागते हैं, उन लोग स्वयं के व्यवसाय मतलब बिजनेस खड़े करके खेती कर सकते हैं सर। इसमें प्रॉफिट जो सर्वे जॉब्स करते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा सर, अगर अपने मन लगा कर करना चाहे तो। कुमार बाहर से आ रहे हैं। गरियाबंद से जयविलास शर्मा की रिपोर्ट। फंसे रहिए सिटी विजन टीवी।